हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल यू आर फाइन. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 12. टेक आउट योर ईवीएस बुक एंड ओपन योर बुक एट पेज नंबर 65. लेसन नंबर 12, द जर्नी ऑफ फूड, खाने का सफ़र. अब आप सोचेंगे कि खाना भी सफ़र करता है. कभी आपने सुना है कि खाना भी सफ़र करता है? जी हाँ, आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे. खाना कौन सा सफ़र करता है? जो हमारी बॉडी में जाता है. जब खाने को हम खाते हैं, हमारी बॉडी में जाता है, तो किस किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, हमारे बॉडी में हजम होता है, आज हम उसी बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इन अर्लियर क्लासेस वी लर्न दैट फूड इज इनिशियल फॉर सर्वाइवल बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू डू वर्क एंड हेल्प्स इन ग्रोथ. पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि खाना जो है वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है या ज़रूरी है, और इसके साथ साथ खाना क्या करता है, हमें काम करने के लिए एनर्जी भी देता है और बढ़ने में हमारी मदद भी करता है. बट आई वंडर हाउ द फूड वी ईट इज यूज्ड बाय आवर बॉडी. लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हुई, या मैं जानकर हैरान थी या हैरान था कि कैसे खाना जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के जरिए कैसे यूज होता है. व्हाट हैपेंस टू फूड वंस इट इज स्वेलोड. और जब हम खाने को निगल लेते हैं, यानी खाने को खा लेते हैं, निगल लेते हैं, तो फिर खाने का क्या होता है? व्हाट इज द जर्नी ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी. खाने की जर्नी हमारी बॉडी में कैसे होती है या क्या है, इसी बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे. खाना जो हमारा शरीर खाता है उसको वो सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी हमारे ज़रिए खाए गए खाने को हमारा जो शरीर है वो सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता. और इसको क्या होता है, इसको एक सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है. और खाने को सिंपल फॉर्म में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन कहते हैं हाजमे को, यानी पाचन को. अब खाना जो है वो कई हमारे जो खाने के लिए कई ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो खाने को डाइजेस्ट होने के लिए, यानी हजम होने के लिए, उनको उनसे पास होना पड़ता है, यानी उन ऑर्गन से गुजरना पड़ता है. वो कौन कौन से हैं देखिए, वो है हमारे माउथ, मुँह है, फूड पाइप, खाने की नली, स्टमक, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत. ये देखिए, इधर एक पिक्चर भी दिखाई हुई है पेज पर. यह डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब खाना किस किस तरीके से किन किन ऑर्गन के थ्रू हजम होता है वो दिखाया हुआ है यहाँ पर. ये सारा जो अभी हमने पढ़ा है, हमारे मुंह में क्या क्या होता है, हमारे मुंह में दांत और जुबान होती है. अब खाना जो है वो दांतों की मदद से छोटे छोटे पीसेज में, यानी टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है. और हमारे मुंह में कितने तरह के दांत होते हैं, 4 काइंड्स बताए, 4 तरह के दांत होते हैं, जो अलग अलग उनका पर्पज़ होता है, यानी अलग अलग तरह का वो काम करते हैं. यानी हर दांत का एक अपना अलग अलग काम होता है. कुछ दांत पीसने के होते हैं, कुछ चबाने के होते हैं, इस तरीके से हर दांत का अपना एक अलग अलग काम होता है. अब यहाँ पर टंग के बारे में बता रहे हैं. जुबान, टंग कैसी है, एक फ्लेशी ऑर्गन है जो हमारे मुंह के अंदर होती है, और इसके ऊपर टेस्ट जो मदद करती है खाने को टेस्ट करने में और मूव करने में, यानी ये जबान का काम होता है खाने को मूव करना और टेस्ट करना. और टंग जो होती है, जुबान जो होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे जो दाने जैसे उभार होते हैं उनको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स. और वो क्या काम करते हैं या उनका क्या काम होता है, वो हमारी मदद करते हैं किस चीज़ में, अलग अलग तरह के जो टेस्ट होते हैं, यानी जायके होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में, उनकी पहचान करने में. अब कौन कौन से टेस्ट बताएं यहाँ पर, देखिए, लाइक स्वीट यानी मीठा, सॉल्टी नमकीन, श्योर खट्टा, एंड बिटर कड़वा. जब आप अपने पसंदीदा खाने को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, क्या होता है फिर, कभी आपको भी अपना जो फेवरेट फूड है उसके बारे में देखते हैं या सोचते हैं तो क्या होता है, पानी स्टार्ट आना शुरू हो जाता है ना आपके मुंह में. तो यही बता रहे हैं कि आपके मुंह में पानी आने लगता है. और ये पानी जो होता है, ये वाटरी फ्लड जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं,
सलाइवा बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको लार बोलते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि चपाती का कुछ टुकड़ा लीजिए और उसको चबाइए धीरे धीरे कुछ टाइम तक, और थोड़े समय बाद इसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, स्वीट मीठा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सलाइवा जो होती है, लार जो होती है, वो खाने के साथ मिक्स हो जाती है हमारे मुंह में और फिर खाने को नरम मुलायम बना देती है, और फिर सब्सटेंस जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं जो सलाइवा में मौजूद होते हैं, वो भोजन में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं, किसमें, शुगर में, और इसी वजह से खाना जो है वो मीठा हो जाता है या खाने का टेस्ट मीठा हो जाता है। और ये क्या होती है, ये डाइजेशन की शुरुआत होती है, यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होती है, यानी यहीं से डाइजेशन शुरू होता है। कहाँ से? मुंह में, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। और खाना जो होता है वो पूरा मुंह के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, यानी खाना पूरी तरह से हमारे मुंह में ही हजम नहीं होता। और टंग जो होती है वो जो नरम खाना होता है उसको एक बॉल के रूप में रोल कर देती है, और फिर क्या होता है, फिर इसको जो है भोजन को मुंह में पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। किसके जरिए? जुबान के जरिए, जीभ के जरिए, जहाँ पर इसको खाने को निगल लिया जाता है। फिर खाना क्या होता है, जब जुबान उसको पीछे की धकेल देती है और खाना निगल लिया जाता है, तो फिर वहाँ से खाना जो है मुंह से कहाँ पर जाता है, स्टमक में, पेट में, और किसके थ्रू, किसके जरिए, फूड पाइप के जरिए। फिर स्टमक में यानी पेट में ये चर्ण होता है, किसमें, सेमी फ्लूइड मिक्सचर है उसमें चर्ण हो जाता है। और स्टमक की जो वाल होती है, दीवारें होती हैं पेट की, वो सीक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव जूस, सीक्रेट करती हैं जो आगे खाने को तोड़ देता है एक सिंपलर फॉर्म में। और फिर क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड जो होता है स्टमक से यानी पेट में से कहाँ जाता है, फिर उसके बाद एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाता है, फिर वहां से पेट में से खाना। यहाँ क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद में बाय द डाइजेस्टिव जूस हो जाता है, उसके जरिए डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली। फिर इसके बाद जो डाइजेस्टिड फूड होता है वो पास होता है किसके थ्रू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से यानी छोटी आंत है उसकी दीवारों के जरिए, और फिर कहा जाता है वो इनटू द ब्लड स्ट्रीम यानी खून के बहाव में। फिर वहां पर क्या होता है, ब्लड जो होता है, खून जो होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है पचे हुए खाने में से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वहां से उनको जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से हमें एनर्जी देने के लिए उनको वहां पर ले जाता है। और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है यानी बिना पचा खाना जो होता है, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में से यानी छोटी आंत में से कहाँ पर चला जाता है, फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में चला जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, बड़ी आंत में खाना जो है उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद फूड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है यानी बदल जाता है किसमें, सॉलिड वेस्ट में, और फिर हमारी बॉडी में फीसिस के जरिए, फीसिस के तौर पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एन ओपनिंग, एक ओपनिंग के जरिए जिसे हम एनस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अच्छे डाइजेशन के लिए कुछ टिप्स दिए, चलिए वन बाय वन उसको रीड पढ़ते करते हैं। फर्स्ट नंबर पे बताया इन्होंने कि बाइट्स कैसी लेनी चाहिए, छोटी लेनी चाहिए, यानी निवाला है या जो टुकड़ा हम तोड़ रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, और हमें अपने खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। और फिर क्या करना है, दिन में बहुत सारा पानी पीना है, और ये खाने के डाइजेशन में यानी खाने के हजम होने में यानी खाने को पाचन में मदद करता है। फिर या तो बैठ जाए या फिर धीरे धीरे चलें, कम से कम खाना खाने के आधे घंटे तक। और ये कह रहे हैं कि कभी भी फुल स्टमक यानी भरे पेट के साथ नहीं सोएं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर आपका पेट पूरा भरा है तो नहीं सोना चाहिए, यानी हमें खाने और सोने के बीच में, यानी जब हम सोने के लिए जाएं तो, और जो खाना हमने खाया उसके बीच में कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने तभी खाना खाया है और तभी आप सोने के लिए चले जाएँ, तो आपका पेट फुल रहेगा फिर।
और लास्ट में इन्होंने बताया कि अपने डाइट में यानी अपने आहार में रफेज को शामिल करना चाहिए, यानी ऐसा खाना लेना चाहिए जो फाइबर से भरपूर हो। रफेज हमारी किसमें मदद करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर खाने को मूव करने और उससे अपशिष्ट को खत्म करने में मदद करता है। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया, चलिए एक्सरसाइज टाइम करते हैं। लेट्स सी पार्ट है आंसर इन वन वर्ड। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आंसर देना है आपको वन वर्ड में, यानी एक शब्द में। आगे यहाँ पर स्पेस दिया है, जैसे फर्स्ट है हमारा डाइजेशन बिगिन हेयर। डाइजेशन की शुरुआत होती है यहाँ से, कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, माउथ, मुंह से। यहाँ पर लिखेंगे माउथ। सेकेंड है डाइजेशन एंड हेयर, यानी डाइजेशन कहाँ पर खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड में देखिए उस ऑर्गन का नाम बताना है जो खाने को चेंस करता है। खाना कहाँ पर चेंस होता है, स्टमक, पेट में, यहाँ पर लिखेंगे स्टमक। फोर्थ है द पाइप, ऐसा पाइप जो कनेक्ट होता है मुंह से पेट तक, उसको बोलते हैं हम फूड पाइप, यहाँ पर भरेंगे फूड पाइप। एंड लास्ट फाइव इज द वाटरी फ्लूड, मुंह में जो वाटरी फ्लूड होता है, जो अभी हमने लेसन में पढ़ा था, जो डाइजेस्ट करता है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सलाइवा, यानी लार। अब बी पार्ट देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर क्या करना है, अगर पढ़कर देखेंगे हम, अगर हमारा ये सही है तो उसके लिए ट्रू लिखेंगे और अगर गलत है तो उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। आगे हमारे बॉक्स बने हुए हैं। फर्स्ट देखिए, फूड पाइप कनेक्ट द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये कह रहा है कि फूड पाइप जो होता है वो पेट से जुड़ा होता है छोटी आंत तक, ये हमारा क्या है, फॉल्स है, यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड है टंग इज ए फ्लेशी ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ, टंग जो है, जीभ जो है, वो एक फ्लेशी ऑर्गन है जो मुंह में प्रेजेंट होती है, मुंह में होती है, ट्रू है हमारा, यह ट्रू भरेंगे। थर्ड स्टमक सीक्रेट सलाइवा दैट हेल्प टू डाइजेस्ट स्टार्च, ये कह रहे हैं कि सलाइवा जो है वो कहाँ पर होता है, स्टमक में, और स्टमक जो है वो सलाइवा को सीक्रेट करता है जो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने को स्टार्च को, ये हमारा फॉल्स है। सलाइवा कहाँ पर होता है, माउथ में होता है, ये स्टमक में बता रहे हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। फोर्थ है डाइजेशन एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन कहाँ पर खत्म होता है, छोटी आंत में, ये हमारा सही है, इसके लिए ट्रू लिखेंगे। फाइव है हमारा, फिफ्थ है वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में खाने में से पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये हमारा सही है, इसके लिए हम ट्रू लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपको बुक के अंदर ही फील करना है। स्टूडेंट्स, सी पार्ट आपको नहीं करना है, डी पार्ट देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो हमारे चैप्टर परिभाषा हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हमें आंसर देने हैं। ये पांच है, आपको इसके आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डाइजेशन, पाचन को डिफाइन करिए, यानी यहाँ पर पाचन के बारे में बताना है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द माउथ, मुंह में खाने का क्या होता है, यानी खाने को जब हम खा लेते हैं मुंह में चला जाता है तो फिर क्या होता है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम द वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन, यहाँ पर हमें अलग अलग जो ऑर्गन है जो डाइजेशन में शामिल होते हैं, यानी पाचन में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, यहाँ पर उनके बारे में बताना है या उनके नाम लिखने हैं, ये वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंस टू फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत में जब खाना चला जाता है तब क्या होता है, यहाँ पर उसके बारे में बताना है, ये इसका आंसर है 4 का। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट एनी 2 टिप्स फॉर गुड डाइजेशन, यानी अच्छे पाचन के लिए, अच्छे हाजमे के लिए कोई सी भी 2 टिप्स बतानी है, ये इसका आंसर है, 2 टिप्स लिखी हुई है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं और उसको आपको लर्न भी करना है। स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टूडेंट्स, अब आपको डी पार्ट जो है इसका लेसन का
वो आपको क्वेश्चन आंसर वाला वो आपको कॉपी के अंदर करना है, और बाकी जितना भी अदर वर्क मैंने आपको बताया है वो आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। एंड नाउ लेसन नंबर 12 इज ओवर। थैंक यू।